राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई का 37वां दशहरा स्नेह सम्मेलन धूमधाम से संपन्न हुआ। ठाणे रोड स्थित सुधांशु जी महाराज आश्रम में सुबह 10 बजे से समाज के क्षत्रिय छत्राणियों का आवागमन शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दुर्गा पूजन से शुरू हुई, जिसमें शस्त्र पूजन एवं समाज के भामाशाह व परिषद के कार्यकर्ताओं एवं होनहार विद्यार्थियों का सत्कार आदि के साथ अतिथि सत्कार किया गया, जिसमें मीरा भाईंदर की प्रथम नागरिक महापौर डिंपल मेहता, कार्य सम्राट विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन, नगर सेवक ज्योत्सना हसनाले, मीरा यादव, नगर सेवक राहुल सिंह, वसई विरार मनपा एवं ठाणे नगर सेवक सिद्धार्थ ओवलेकर एवं अखंड राजपूताना सेवा संघ के आरपी सिंह, मदन सिंह, करनी सेना एवं पूर्व नगर सेवक प्रमोद सावंत, अंकुश मालूसरी, राजपुरोहित एवं समाज के अध्यक्ष रतन सिंह जी राठौड़, पूर्व अध्यक्ष एवं संयोजक रघुनाथ सिंह जी सराणा, ट्रस्ट बोर्ड चेयरमैन श्री इंदर सिंह जी राठौड़, संरक्षक राजेंद्र सिंह जी दाता को ट्रॉफी साफा पहनाकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में क्षत्रिय सत्राणियाँ परिवार के साथ उपस्थित रही और जोश शोर के साथ समाज के इस सम्मेलन में सम्मिलित हुई। इस दौरान राजस्थान पत्रिका के पुरुक्रम शर्मा एवं राजस्थान टीवी के कृपा शंकर दवे एवं मारो राजस्थान के अश्विनी राय का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समाज के लिए विशेष युवाओं के लिए सत्कार का आयोजन किया गया। युवाओं को समाज से जोड़ने के लिए समाज सम्मानित किया गया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्षत्रिय सत्राणियों को भी भागीदारी दी, जिसमें महिला क्षत्रिय महिला मंडल का गठन किया गया, जिनकी घोषणा दिवाली के पश्चात की जाएगी। भोजन प्रसादी का भी आयोजन रखा गया, जिसमें सभी ने भोजन प्रसाद लिया। क्षत्रियों की एकता पर सभी आए मेहमानों ने सराहना की। मैं राजस्थान टीवी से कृपा शंकर दवे हीरालाल वैष्णव के साथ। साल कम से कम एक
के संदर्भ में
कि ये राजपूत समाज इसी के लिए प्रचलित है, राजाओं के पुत्र के माध्यम से नाम निकला राजपुत्र, और राजपुत्र जो है वो बना राजपूत। जागृति लाना चाहते हैं कि जो भी राजनीति
राजस्थान आदमी परिषद से जुड़ा है, तो दहेज लेगा ना दहेज देगा, ये मजबूरी में दहेज देना है तो अलग बात है, लेकिन कम से कम दहेज ले नहीं ये तो हमने पूरी हमने सबसे कसम खाई है कि हमारा राजस्थान आदमी परिषद का जो भी मेम्बर रहेगा तो कम से कम दहेज नहीं लेवे, लड़के का दहेज नहीं लेवे, ये हम कोशिश कर रहे हैं ये लागू लाने की कोशिश। क्या सर आपका जो संगठन से अपना राजस्थान और जो आपके संस्था है जब विरोध किसी मसले के विरोध की बात होती है समाज के सामने तो विरोध में तो जो पूरे देश मीडिया में छाया रहता है, लेकिन क्या आप लोग समाज के युवाओं के लिए भी कोई कौशल विकास का कार्य होता है उसको पता नहीं चलता है कि वो क्षेत्र में नहीं युवाओं के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी युवा कमेटी बनी हुई है और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, हर तरह का जो एजुकेशन में जाना चाहता है रोजगार में जाना चाहता है और कोई भी सेक्टर है तो हम उसको भरपूर मदद करते हैं। हाँ ऐसे हमारी मीटिंग है, हर महीने की मीटिंगें होती रहती है, उस मीटिंग के द्वारा हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं। आज का जो सफल आयोजन है, इतनी पब्लिक आई है आपकी 10 से 15 हज़ार के क्षत्रिय और क्षत्रियणी आई है और महिला जो विंग का गठन का भी था और बाकी महिलाओं की जो भागीदारी है यहाँ पुरुषों के बराबर थी, तो इससे आप क्या मानते हैं कि संगठन का जो जमीन से जो जुड़ा हुआ कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता अपने जितने राजपूत भाइयों को अलग अलग शाखाओं से लेके आया, आप इसके ऊपर बताएं। अभी हमारे सब विभाग जो बने हुए हैं हर विभाग से ज़्यादा लोगों को लाने का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं, जमीन से जुड़े हुए जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी को लाने का प्रयास करते हैं, तो बस के द्वारा गाड़ी के द्वारा और भी जो साधन रहते हैं उस साधन के द्वारा उनको यहाँ पर लाना और उनको घर तक पहुँचाना ये सब हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। ये कितनी मतलब अच्छी बात है कि आज इतने महिला और पुरुषों की भागीदारी रही और कार्यक्रम आपका सफल रहा। मुझे तो लगता है कि महिलाओं की भागीदारी जेंट्स से भागीदारी ज़्यादा लग रही थी, तो महिलाओं में ऐसा क्रेज है कि हम कैसे भी अपने समाज का प्रोग्राम होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, क्योंकि साल में एक ही प्रोग्राम होता है वो दशहरा शनि सम्मेलन होता है और तो कोई कार्यक्रम महिलाओं के लिए होता नहीं है, एक दिवाली का होता है लेकिन वो छोटे लेवल पे काम प्रोग्राम होता है, तो जो बड़ा प्रोग्राम है वो दशहरा शनि सम्मेलन है, तो महिलाओं में बहुत महिला और बच्चों में बहुत ही क्रेज रहता है कि हम उस प्रोग्राम को अटेंड करें। और आज हमने देखा कि छोटे जो बच्चे हैं केजी और नर्सरी वाले उनको भी आपने प्रोत्साहित किया है, उनको गिफ्ट देके उनको सम्मानित किया है, क्या जो प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहन देने का हमारा मेन प्रोग्राम रहता है, उसके बाद में हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए रात दिन एक करते हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं, और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए तो ये प्रोग्राम होता है। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज का जो आज आपने इतना बड़ा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि राजपूत समाज एकजुट होकर इस देश की सेवा करें, इस देश के लिए कभी भी कोई जरूरत पड़े तो क्षत्रिय हमेशा तैयार रहे, यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो क्या अगली जैसे बिहार में भूमिहार समाज ने जबरदस्त विरोध किया, राजस्थान में राजपूत समाज ने किया, तो क्या कारण है कि हर जगह पूरा जो अगला वर्ग बन जाते हैं वो एकमत क्यों नहीं आ पा रहे? अभी प्रयास तो हो रहा है सब जगह, अभी राजस्थान में भी सर जो करणी सेना है तो उन्होंने ब्राह्मण समाज को है और भी अन्य समाज है जो वंचित है आरक्षण से वंचित है उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आगे जो अभी जो चित्तौड़ में जो रैली हुई थी अगली रैली जयपुर में होगी उसके बाद दिल्ली होगी, तो सभी के समाज के लोगों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली राजपूत समाज, राजपूत हमेशा अलग जो जहाँ सफल जैसे बिहार में भूमिहार मजबूत है तो वहाँ सबसे ज़्यादा विरोध वही दिखे, लेकिन और जो जाती है जो अगले समाज की राजपूत तो वो लोग नहीं किनारे हमारे राजस्थान से तो ये प्रयास चल रहा है, लेकिन राजस्थान में राजपूत ही सबसे ज़्यादा दिखे सक्रिय दिखे। हाँ लेकिन उसमें राजपूत हमेशा क्या है पैरवी करने वाले आगे राजपूत समाज रहता है वो राजपूत ज़्यादा दिखते हैं, और दूसरे समाज को जब लगेगा कि भाई इसमें कुछ गुंजाइश है तो ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, जैसे हमने पहले सामाजिक न्याय मंच चलाया था राजस्थान में तो स्मॉल लेवल पे स्टार्ट किया था और राजपूत कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो मुद्दा 36 को उनके लिए था कि हर जिसको आरक्षण मिला है उस आरक्षण को संरक्षण मिलना चाहिए, और जो वंचित जिनको आरक्षण नहीं मिला है या मूल ओबीसी है जैसे कुंभार है घासी है ऐसे लोग हैं जो ओबीसी में आते हैं उनको आज तक उस आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, तो उन सभी के लिए हमने आंदोलन किया था और सभी लोग जो सैन समाज के थे जैन समाज के थे अग्रवाल समाज थे
ब्राह्मण समाज था, सभी समाज के लोग जुड़े थे और आंदोलन काफ़ी टाइम तक चला था। और उसमें राजनाथ सिंह उस टाइम पे जो वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पे ये बात हुई थी और करीब करीब आरक्षण देने की कुछ बात हो गई थी, लेकिन टेक्निकल वजह से नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी वापस ये आंदोलन उसको तेज़ किया जाएगा और सभी को आरक्षण मिले, जो गरीब है उस गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब की कोई जात नहीं होती है एक्चुअली, उसको आरक्षण मिले ये हमारा सबसे पहला कार्य रहेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, अभी भी आपका जो संगठन है पूरे मुंबई के राजपूत समाज को कवर नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा तो प्लान है कि हर एक राजपूत परिवार तक पहुँच नहीं, लगभग तो हम सब राजपूत समाज को जो राजस्थान से जुड़े, जो राजस्थान से जुड़े, जो और जो बाकी जो और भी है, हम तो प्रयास करते हैं उनको बुलाने के लिए, कि उनके संगठन के जो भी अध्यक्ष रहता है, जैसे ये अखंड राजपूताना संघ वाले थे तो हमने अध्यक्ष को बुलाया, अध्यक्ष के साथ 4-5 लोग आते हैं, ज़्यादा लोग तो आते नहीं हैं, लेकिन ये प्रयास जो हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है वो सभी क्षत्रियों को साथ में लेने का प्रयास करता है, उसमें पूरे भारत के जो भी क्षत्रिय है, जैसे मराठा है, राजपूत है और भूमिहार है और जो भी क्षत्रिय है, तो उनको सबको साथ में लेके अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काम कर रही है। जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप बताएं। अच्छा रहा प्रोग्राम, और जो हमें देने का संदेश कुछ हद तक पहुँचा है, लेकिन सुबह अभाव के कारण नबड़ो प्रोग्राम में से भी संभव नहीं हो पाता। आज जिस तरह से समाज की उपस्थिति रही, जहां महिला मंडल भी 50-60% उनकी उपस्थिति, और मेरे को लगता है छत्री भाइयों से ज़्यादा छत्राणियां नजर आई, तो ये कि इस सफलता पर आप क्या कहेंगे? ये परिषद एकमात्र संस्था है, मैं आपको बताता हूँ कि भले राजस्थान हो या पूरा भारत में हो, तो राजपूतों की अगर कहीं भी मीटिंग है तो जिसमें छत्राणियाँ जितनी यहाँ मुंबई में राजस्थान राजपूत परिषद के प्रोग्राम में आती है उतनी कहीं नहीं आती है, और उसका डिसेंट रहता है, और ये जो आपस का मेल मिलाप है उसके हिसाब से है, यहाँ कई भाइयों की शादियाँ भी होती है, 200-250 शादियाँ हुई है पिछले 6-7 साल में, ये संपर्क के कारण ही होता है, और हम इसी में आगे कर रहे हैं कि भाई और मेल मिलाप हो गए और दूसरे तरह से प्रोग्राम हो गए कि उनसे और ज़्यादा बातचीत कर सके, ऐसे प्रोग्राम में ज़्यादा मिलना जुलना तो होता नहीं है, फिर भी टाइम मिलता है, और छत्राणियाँ जागरूक है ये बात निश्चित है, एजुकेशन का भी फर्क है, और युवा आज आपने युवा भी उनको सम्मानित किया, अलग अलग शाखा के जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम करके राजपूतों को जोड़ा है, तो उसके बारे में भी आपने आज सम्मान किया है, उसके बारे में आप बताएं कैसे उनको जोड़ा आपने और किस तरह से उनको काम बांटा गया। हमने 2006 के बाद में, अब मेरे मंत्री जी भी साथ में खड़े हैं, 8-10 आदमियों की जो पूरी टीम थी, तो हमने एक लक्ष्य बना दिया कि भाई हमको एक 10,000 लोगों तक पहुंचना है, और वो हमने 5-6 साल में 10,000 तो नहीं पहुंचे, लेकिन 10,000 लोग जुड़ गए, लोग आज राजस्थान राजपूत परिषद से कम 20,000 लोग जुड़े होंगे, सब आते नहीं हैं, कभी कम आते हैं, कभी वो ज़्यादा होता है, लेकिन वो सब जुड़े हुए हैं, आज संपर्क है उनके पास में, हमारा फ़ोन नंबर है, हम लोग उनसे लगातार संपर्क में हैं, तो युवाओं की बदौलत ही आगे से आगे हमने उनको जोड़ा, उन्होंने और आगे जोड़ा, उन्होंने ऐसे करके आज एक कड़ी से कड़ी बन के राजस्थान राजपूत परिषद एक मजबूत संस्था है, और आगे जो आज दिन तक संगठन का काम हो रहा था तो अब हम रचनात्मक काम करेंगे, और आपको 1-2 साल में उनका बहुत रिजल्ट मिलेगा। क्या राजस्थान इलेक्शन में भी राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई की तरफ से किसी कैंडिडेट के लिए मांग की जाएगी पार्टियों में कि भाई टिकट हमारे लोगों को भी मिले, क्या ऐसा भी है आपके मैनिफेस्टो में? वो उस एरिया के ऊपर है, कैंडिडेट कैसा है उसके ऊपर भी है, अगर सशक्त कैंडिडेट है, चरित्रवान कैंडिडेट है और देश हित में अगर वो वैसा के विचार है, जो क्षत्रियोचित गुण है उसके अंदर, तो हम निश्चित तौर पे जाएंगे और हमारा जहाँ तक हो सका दबाव भी डालेंगे। पिछली विधानसभा में भी आपके आहोर या सिरोही जालोर से आपके यहाँ के कार्यकर्ता थे,
जिनको विधानसभा का टिकट मिला था और वो जीते भी थे। और अब की बार जैसे महिलाओं के लिए भी हमने ऐसा यहाँ आके मालूम गिराए कि क्षत्रिय राजपूत समाज की महिला विंग के लिए भी प्रयासरत हैं टिकट के लिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। तो क्या एक पार्टी या किसी भी पार्टी से अगर आपको टिकट का आपने किया तो पार्टी में बीजेपी या कांग्रेस कोई भी हो, क्या आप टिकट मांगेंगे दोनों पार्टी में? नहीं, हमारे कोई भी, हम एक पार्टी का पट्टा नहीं बंधे हुए हैं। मेरा मानना है कोई भी एक जो हमें उचित प्रतिनिधित्व देगा उनके हम साथ में। और ये जो STSC वाला के मामला है जिसमें अभी कोर्ट ने, जो जज थे मिश्रा, उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी लेवल पर अगर उसके ऊपर STSC का केस लगता है, जब तक जांच नहीं हो तब तक, जब दोषी नहीं हो तब तक उसको गिरफ्तार न किया जाए। उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक विधेयक ला के पास किया कि उसको गिरफ्तार कर सकते। इसके लिए राजपूत समाज की क्या प्रतिक्रिया है? ये राजपूत समाज को इससे ज़्यादा नुकसान दूसरे समाज को ज़्यादा है। राजपूत समाज तो हकीकत में आज भी इतनी सक्षम है और शेड्यूल कास्टों के हमारे, हम तो उनके वोटों से ही हम जीतते हैं। जनरल सीटों में, सरपंच के चुनाव में, हमारे हर जगह शेड्यूल कास्ट हमारे साथ में रहते हैं। पर आज ही नेचुरल हम लोग एक हितेशी है तो इनका राजनीति दुरुपयोग होगा। शेड्यूल कास्टों को इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, तो ये राजनीतिक दुरुपयोग एक दूसरे के प्रति करेगा उसका है। और ये जो केंद्र सरकार ने लाया है ये तो कानून की हत्या है। तो प्राकृतिक रूप से जो कानून है, कानून नहीं रहेगा, मतलब ये बात है, जो प्रदत्त है प्राकृतिक रूप से, तो निश्चित तौर में BJP इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और आज के जो कार्यकर्ता को आपने सम्मान किया, एक छोटे से छोटा बच्चा जो KG नर्सरी में पढ़ता है उसका भी आपने सम्मान किया, क्या समाज को जोड़ने के लिए युवा पीढ़ी को और जो छोटे क्लास आज KG और नर्सरी वाले बच्चों को भी समाज के प्रति लगाव, दिल में भावना पैदा हुए कि हमारा अभी समाज है और हमारा भी फर्ज बनता है कि आज के जो टाइम के हिसाब से यहाँ समाज में आएगा तो कुछ सीखेगा, संस्कार सीखेगा एक दूसरों का। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि छोटा से छोटा बच्चा जो भी, अगर वो पीढ़ी, छोटी पीढ़ी हम जो नहीं जुड़ेगी तो समाज नहीं रहेगी। इसलिए हमारा प्रयास है कि शुरू से ही छोटे बच्चों से भी लगाव समाज के प्रति पैदा हो। ये थे रघुनाथ सिंह जी सराणा, संरक्षक आस्था नागपुर परिषद और पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने समाज के बारे में और समाज के लिए और समाज का जो स्नेह सम्मेलन हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। मैं कृपाशंकर दवे राजस्थान TV से, कृपाशंकर दवे एंड अश्विनी राय के साथ, राजस्थान TV, थाने पोरबंदर रोड। इस चैनल पर राजस्थानी समाज के अलावा देश विदेश की खबरें भी मिलती रहेगी। देखते रहिए राजस्थान TV, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।